चलो दोस्तों, हम आज आपके लिए आए लेके आए हैं हरियाणा टैक्स जो टैक्सेशन इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए 130 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। और हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको उनको 130 क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको शायद कुछ काम आ जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचकांक द्वारा चक्रीय परीक्षण संतुष्ट होता है? तो इसका आंसर है कैली का सूचकांक। दूसरा क्वेश्चन है, टोबिन कर का संबंध है? तो टोबिन कर का संबंध है काले लेन देन से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में स्थैनिक तथा प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मिल ने किया था। एक महानगर का तात्पर्य उससे होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है फ्रेंड्स। और दोस्तों, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, और ये दो तत्व हैं आपके फास्फोरस और नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ है? तो 1550 लाख टन इसका आंसर है दोस्तों। पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना? तो जो इसके आंसर है वो थे पीगू। पीगू ने इस कंसेप्ट को उन्होंने मांगा तो वो थे पीगू। आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि निम्नलिखित की थी? ऑटो नर्थ की। अग्रिम कर किन किन महीनों में देय होता है? अग्रिम जो कर होते हैं, टैक्स होता है, वो फरवरी, जून और अक्टूबर में पे हमें करना होता है। वस्तुओं की कीमत के एक अनुपात में लिया गया कर क्या कहलाता है? तो मूल्यानुसार कर उसका आंसर होगा। राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस नगर में है? तो नागपुर में है। नाबार्ड सबको पता है एक बैंक है। लागत योग सिद्धांत संबंधित है वितरण सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सी एक निस्पंदस्फीति की विशेषता नहीं है? तो है समग्र मांग का आधिक्य। वारा का नियम यह बताता है कि मुद्रा ब्रांड तथा वर्तमान उत्पादन के मांग आधिक्य का योग अवश्य होना चाहिए। तो शून्य के बराबर इसका आंसर है, शून्य के बराबर। ये नियम में शून्य के बराबर बताता है। एक इकाई लोचदार मांग वक्र के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाला वे अपरिवर्तित रहता है। किन 20वां क्वेश्चन है, कीन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पूर्वोपाय मांग से है। 21वां क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या लगभग कितनी है? 4 करोड़। 22वां क्वेश्चन है, भारत में CENVAT नामक कर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो संघ उत्पाद शुल्क से है। कीमत था मात्रा दोनों अनिर्धारित होते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार से। वरीयता वस्तुओं की कंसेप्ट सर्वप्रथम किसने दी? तो वो थे 24वें क्वेश्चन का आंसर है मस्ग्रेव द्वारा। 25वां क्वेश्चन है, बालश्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत किस आयु के नीचे के बच्चों को रोजगार में लगाया जाना निषिद्ध है? 14 वर्ष। वाणिज्य बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है स्वयं वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। 27वां क्वेश्चन है, के कारक विश्लेषण का संबंध है मृत्यु के कारणों से। 28वां है कि शुद्ध ब्याज होता है समग्र ब्याज से असंबंधित। 29वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2009 की केंद्रीय विषय वस्तु है विकास तथा अगली पीढ़ी। भारतीय उद्योगों में प्रमुख क्षेत्र की संकल्पना कब प्रारंभ की गई? 1970 में। सूक्ष्म वित्त के लिए भारत में श्रेष्ठ बैंक कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत का प्रथम राज्य किसने अपनी राज्य मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है? वह है केरल। पालघाट द्रायनियम में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। सूर्योदय उद्योगों का तात्पर्य है कंप्यूटर दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊंचा घनत्व किसका है? दिल्ली का।
भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग रोजगार में लगा है, तो वह 40.13% यानी 40.13। भारत में जन्म लेने वाले लड़कियों की संख्या प्रति हजार लड़कों पर कितनी है, 933। ये आपका 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है, 5। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी 8 सितंबर 2016। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं, 15। जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, 2%। भारतीय जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 45। राज्यों में जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र कितने वर्षों तक करेगा, 5 साल तक। जीएसटी सदस्यों में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या है 33। संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है, 279A। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आयात निर्यात बंद। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। हेग का व्यापार चक्कर सिद्धांत संबंधित है अधिविनियोग पर। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर जीएसटी कब से लागू हुई, 1 जुलाई 2017 से। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ, 6 जुलाई 2017 से। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होंगे, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष देश के वित्त मंत्री होंगे। दोपहर का भोजन नामक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जीएसटी काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरुण जेटली। जीएसटी काउंसिल के वर्तमान सचिव कौन है, हसमुख ओडिया। संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का अर्थ है राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। काले धन को बोहर निकालने के लिए भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया, 1978 में। जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप असीम दास गुप्ता द्वारा तैयार किया गया। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने के कितने साल बाद जीएसटी लागू हुआ, 17 साल बाद। निम्नलिखित औद्योगिक नीति प्रस्तावों में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में माना जाता है, औद्योगिक नीति 1956। यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ होगा शून्य। भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है, एम विश्वरैया को। भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में उगाया जाता है, बंगाल में। हाल ही के वर्षों में जीडीपी की उच्चतम संवृद्धि दर निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राप्त हुई, 2006-07 में। आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की दक्षता में वृद्धि, आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। कनाडा में अधिकतम टैक्स कितनी है, 15%। पाकिस्तान में अधिकतम जीएसटी दर कितनी है, 17%। सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी लागू किया गया, 1954 में, फ्रांस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। योजना आयोग का गठन हुआ मार्च 1950 में। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जीएसटी अब से सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हो चुका है। अधिकतम यूरोपियन देशों ने जीएसटी किस दौरान लागू किया, 70-80 के दशक में। कनाडा में जीएसटी 1991 में स्टार्ट हुआ। देश का पहला राज्य जिसने वैट को अपनाया, हरियाणा 2003। हरियाणा पेट्रोल पर कितना वैट है, 25%। सर्वप्रथम असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में जीएसटी बिल का प्रारूप बना, तब भारत में किसकी सरकार थी, वाजपेयी सरकार। क्या अमेरिका में जीएसटी है, अमेरिका में जीएसटी लागू नहीं है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। भारत में पहली बार सर्विस टैक्स कब लगाया गया, 1994 में। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर स्थायी खाता संख्या 1972 में जारी हुआ। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, 161वां देश है। ब्याज की प्राकृतिक दर तथा बाजार दर के मध्य अंतर किया जाता है विक सेल द्वारा। किसी फर्म के ब्रेक इवन बिंदु से क्या तात्पर्य है, यह वह बिंदु है जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न हानि, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। स्टैगफ्लेशन क्या है,
मंदी के साथ मुद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 83। स्टैग फ्लेक्शन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो वो थी पांचवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना गया है। 2016 का अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज किसे मिला है? 2016 का ओलिवर हॉर्ट व बंगट होल्मस्ट्रम। आप नाम अच्छी तरीके से देख लेना। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1969 में। वर्ष 1998 में किस भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल प्राइज मिला? अमर्त्य सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 लाख से 10 लाख की आमदनी वालों को कितना प्रतिशत टैक्स देना होगा? 20। 2.5 लाख से 5 लाख की आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा? 5%। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इफको क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? भारतीय स्टेट बैंक। मंदड़िया किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने की वायदा कर बेचता है उसको मंदड़िया कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1955 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय आवास बैंक जिसके सहयोगी संस्था है वह है भारतीय रिजर्व बैंक की। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं SLR, सांविधिक तरलता अनुपात। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्ताक्षरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? एस्टेट ड्यूटी। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं वे कहते हैं तेजड़िया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वो है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों को शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सृजन, वस्तुओं का संगठन, वास्तविक विनिवेश। कोंकण रेलवे परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1990 में प्रारंभ की गई थी ये परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। भारत सरकार के बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? वो उस करती है उसके वैधानिक तरलता अनुपात पे। CRISIL किसका संक्षिप्त रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 सितंबर। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? विनिर्माण हब। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट्स। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक। इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक ICICI। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है की स्थापना कब की गई? 1875 में। जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है क्रेडिट कार्ड। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में उधार लेते हैं वो उसको बोलते हैं रेपो रेट, रेपो दर। राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? सहकारी क्षेत्र का बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विश्व बैंक। बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब लागू की गई? 1 फरवरी 1969। वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यावसायिक बैंक था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व
व प्रबंध का था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की गई सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्रीय आयोजन। संकट के समय में वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चलनिधि काम कर सकती है वह है SLR। धन शोधन से तात्पर्य है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। गतावधि चेक होता है, चेक जिसके जारी होने की तारीख से 3 महीने पूरे हो गए हो। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। भारत में खुलने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सन 1770 में खुला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 130 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं आपके आने वाले एग्जाम में आपके काम आएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कर देना, ताकि हमारे बहुत से बेरोज़गार भाई हैं, किसी के ये हमारी वीडियो काम आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और साथ ही हमने ये निर्णय लिया है कि हम हरियाणा जीके के रोज़ 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के 20 या 30 जो भी होगा वो क्वेश्चन रोज़ करेंगे। तो आप उस क्लास को रोज़ अटेंड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स।